गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास सिक्स का एनसीईआरटी का एक्चुअली 7.6 के जो बाकी क्वेश्चन थे, जहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। पेज नंबर आपका 161, और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका पजल दे रखा है, जिसमें एक बॉक्स है जिस तरीके से दिया हुआ, जो स्कूल है वो उसके घर से 9/10 किलोमीटर दूर है, तो वो
कुछ दूर चलकर एक बस लेती है जिससे वो 1/2 किलोमीटर तक बस से जाती है। तो आपको ये बताना है कि वो वॉक यानी पैदल कितनी दूर तक गई है। तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 7, टोटल डिस्टेंस दे रखी है आपको 9/10 किलोमीटर। अब आपको बताना है डिस्टेंस कवर्ड बाय यानी जो बस से उसने डिस्टेंस कवर करी है वो करीब 1/2 किलोमीटर यानी टोटल लेंथ डिस्टेंस भी है इतनी दूर वो बस से गई तो बाकी वो किससे गई है पैदल गई है टोटल में से हम माइनस कर देंगे बस वाली डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑन ए नंदिनी डिस्टेंस कवर्ड बाय नंदिनी तो 9/10 - 1/2 ऐसे माना जाएगा आपका 10 10 10 20 1 तो 9 से करेंगे 9 तो फिर आपको 2 5 10 5 4 5 यानी 4/10 किलोमीटर डिस्टेंस उसने पैदल कवर करी है। इसको चाहो तो आप कट कर सकते हो 2 4 2 5 10 यानी 2/5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं कि आशा एंड सैमुअल हैव बुक सेल्फ ऑफ द सेम साइज पार्शियली फिल्ड विद बुक्स। आशा सेल्फ इज 5/6 फुल एंड सैमुअल सेल्फ इज 2/5 फुल। टू बुक सेल्फ इज मोर फुल एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन। आप दो बच्चियां हैं जो किसी बुक का काम करती हैं तो वो एक बच्ची आशा है उसको करती है 5/6 पार्ट उसका और सैमुअल करती है उसका 2/5 पार्ट। आपको बताना है कि दोनों में से किसने ज़्यादा काम किया है और कितना ज़्यादा काम किया है। पार्ट ऑफ आशा आपका 5/6 और सैमुअल का पार्ट है 2/5 पार्ट ऑफ सैमुअल। अब पता लगा कि दोनों से ज्यादा किसने किया है। क्या देखें आपको मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर सेम करने के लिए करते हैं अगर आपको चेक करना है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है तो ये कैसे करेंगे। न्यूटन से करेंगे 6 और 5 से -30 इसको 30 माने कि 5 × 5 और इसको 6 × 5 ये हो जाएगा 25/30 इसको 30 माने कि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 6 5 × 6 ये हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो किसने बहुत ज़्यादा किया है आशा ने 25 बड़ा है 12 के कंपेरिजन में क्योंकि दोनों तरफ सेम हो चुके हैं। यहाँ लिख सकते हो आशा पार ग्रेटर देन सैमुअल पार। अब कितना ज़्यादा किया है डिफरेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे आशा वाला पार्ट में से हम सैमुअल का पार्ट माइनस कर देंगे 25/30 - 12/30 ऐसे में आगे आपका 30 सेम है 25 - 12 यानी जगह आपका 13/30 यानी आशा ने सैमुअल के कंपेरिजन 13/30 पार्ट ज़्यादा वर्क किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका जयदेव टेक्स 2/5 मिनट टू वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड राहुल टेक्स 7/4 मिनट्स टू डू द सेम हु टेक लेस टाइम एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन। यानी जयदेव है वो क्रॉस द स्कूल ग्राउंड क्रॉस करने में 2/1/5 मिनट टाइम लेता है वहीं राहुल लेता है 7/4 मिनट्स तो आपको पता है किसने टाइम कम लिया और कितना टाइम हो राहुल जब इसको टाइम टेकन बाय राहुल को कितना सॉरी जयदेव जयदेव ने आपका
mixed fraction, they require 2 1 by 5 10. So, converting in back to 10 upon 11 by 5 11. Time no problem. आपको 7 बाय 4 देखिए कंचेट कंपेरिजन करने के लिए आपको डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे तो 5 और 4 का डिनोमिनेटर क्या आएगा 20 इसको 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5 ये हो जाएगा आपका 11 into 4 5 into 4 यानी ये हो जाएगा 44 अपॉन में 20 7 into 5 4 into 5 35 अब देखिए सेम होगा 20 20. अब यहाँ से देख सकते हो कम टाइम किसने लिया है राहुल ने कितना 35 यहाँ सकते हैं आपने राहुल टू लेस टाइम अब कितना लिया है वो डिफरेंस निकालेंगे डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे 44 बाय 20 में से 35 बाय 20 लास्ट क्वेश्चन की तरह वैसे बारे में आपका 44 माइनस 35 इसको माइनस कर लेंगे तो बचेगा आपका 9 बाय 20 तो ये आपका चैप्टर 7.6 भी कंप्लीट हो चुका है तो ये आपका 9 क्वेश्चन नंबर उसका बिल्कुल 8 क्वेश्चन की तरह था अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये पूरे चैप्टर में जो जो क्वेश्चन किए हैं उसका एक टेस्ट लेंगे मैं आपको असाइनमेंट दूंगा उसमें आपको कुछ करना है उसके बाद आप स्कूल में आकर उस नोटबुक को जमा करा सकते हैं ताकि मैं उसको चेक कर सकूँ कि आपने किस तरीके से इसको किया है कल या नेक्स्ट वीक में जब भी हम मिलेंगे आपको असाइनमेंट दिया जाएगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं उसके बाद आप लोग नोटबुक में सॉल्व करेंगे और फिर को स्कूल में ला कर अपनी नोटबुक जमा करा देंगे फिर मैं चेक करूँगा ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितना सही किया और कितना रॉन्ग किया तो नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे थैंक यू